नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश हैं। इसमें दो प्रमुख पात्र हैं, एक हालदार साहब, दूसरा नेताजी। इसमें हम बात करेंगे एक पान वाले की, जो इस कहानी का मुख्य पात्र भी है। हालदार साहब कंपनी के काम से कस्बे में 15 दिन बाद गुजारा करते थे। कस्बा सामान्य कस्बों के जैसा ही था, कुछ घर पक्के थे और कुछ कच्चे। लड़के लड़कियों के लिए एक स्कूल था, नगर पालिका थी। नगर पालिका समय समय पर कस्बे में विकास के कार्य करती रहती थी। इसी उद्देश्य से कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति लगवाने की सोची गई। नगर पालिका ने मूर्ति बनाने का कार्य कस्बे के स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को दे दिया। उन्होंने संगमरमर के पत्थर से नेताजी की छाती तक की मूर्ति तैयार कर दी। वह मूर्ति नगर पालिका के चौराहे पर लगा दी गई। नेताजी की मूर्ति को देखकर लोगों में देश के लिए कुछ करने का उत्साह पैदा होता था। इस तरह नगर पालिका का लोगों में देश भावना जागृत करने का यह प्रयास सफल और सराहनीय था। मूर्ति देखने वालों को मूर्ति में एक कमी लगती थी। क्या कमी लगती थी? कि मूर्ति का चश्मा पत्थर का नहीं था, वह असली था। शायद मूर्ति बनाने वाले नेताजी का चश्मा बनाना भूल गए, इसलिए उस पर असली चश्मा किसी ने लगा दिया था। हालदार साहब जब पहली बार कस्बे से गुजरे तो उन्हें लोगों का यह प्रयास अच्छा लगा। उन्हें लगा कि लोगों में अपने नेताओं के प्रति आदर और सम्मान की भावना है। अगले 2-3 बार जब भी वो वहाँ से गुजरे तो हर बार मूर्ति पर एक नया चश्मा लगा मिलता। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए चौराहे पर बैठे पान वाले से पूछा कि हर बार मूर्ति का चश्मा कैसे बदल जाता है। पान वाले ने बताया, नेताजी का चश्मा कैप्टन बदल देता है। जब किसी ग्राहक को नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा चाहिए तो कैप्टन मूर्ति से चश्मा उतार कर ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता। कैप्टन को नेताजी के चश्मे के बिना मूर्ति बुरी लगती थी, इसलिए उसने मूर्ति पर चश्मा लगा दिया था। उसे चश्मे के बिना नेताजी का व्यक्तित्व अधूरा सा लगता था, इसलिए वह अपने पास से रोज एक चश्मा मूर्ति को लगा देता था। पान वाले ने हालदार साहब को यह भी बताया कि मूर्तिकार मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था। हालदार साहब को पान वाले की यह बात बहुत बुरी लगी थी। हालदार साहब कैप्टन चश्मे वाले से बहुत प्रभावित हुए, जिसमें अपनी देशभक्ति से मूर्ति के अधूरेपन को पूरा कर दिया था। उन्होंने पान वाले से कैप्टन के विषय में पूछा, क्या वह नेताजी की फौज का कोई सिपाही था? इस पर पान वाले ने बताया कि वह एक लंगड़ा है, वह फौज में नहीं जा सकता है। पान वाला हालदार साहब को कैप्टन दिखाता है। कैप्टन एक बूढ़ा पतला सा इंसान था। उसके पास एक संदूक थी और एक बांस था जिस पर तरह तरह के चश्मे टंगे हुए थे। वह एक फेरी लगाने वाला था। जिस ढंग से पान वाले ने कैप्टन का परिचय दिया, वह ढंग हालदार साहब को बहुत बुरा लगा था। हालदार साहब कैप्टन के विषय में बहुत कुछ जानना चाहते थे, परंतु पान वाला और कुछ बताने को तैयार नहीं था। हालदार साहब अगले 2 साल तक कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति के बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। एक बार हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें नेताजी की मूर्ति पर चश्मा दिखाई नहीं दिया। उस दिन अधिकांश बाज़ार बंद था। अगली बार फिर वो वहाँ से गुजरे तो भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं दिखा। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी का चश्मा कहाँ गया। पान वाले ने उदास होकर बताया कि चश्मे वाला कैप्टन मर गया। हालदार साहब यह सुनकर चले गए। कैप्टन के मरने के बाद
हालदार साहब यह सोचने लगे कि उस देश का भविष्य क्या होगा जिसकी जनता देश का निर्माण करने वालों पर हंसती है। हालदार 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि चौराहे पर रुककर मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, तो वे बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति नहीं देख सकते थे। परंतु जैसे ही वे नेताजी की मूर्ति के सामने से गुजरे तो हैरान हो गए कि मूर्ति पर किसी बच्चे द्वारा बनाया सरकंडे का चश्मा रखा हुआ था। यह देखकर हालदार भावुक हो गए। उन्होंने बच्चों की भावना का सम्मान करने के लिए मूर्ति के सामने अटेंशन खड़े होकर उनकी भावनाओं तथा नेताजी को प्रणाम किया। इस प्रकार से इस कहानी में देश के गुमनाम लोगों का देश के प्रति प्यार जो है वो बताया गया है, और इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हम अपनी देश की सेवा किसी भी तरीके से कर सकते हैं।